हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए, फिर भी एक भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको आने वाले कुछ मिनट में बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरे चैनल पर कमेंट आए दिसंबर एग्जाम से रिलेटेड, उसमें से कुछ को मैं यहाँ पे लिख करके रखा हूँ, उसी के रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको जो है वो वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको सारा कुछ जानकारी दूंगा। आपका जो है वो रिजल्ट कब आएगा दिसंबर वाला? ठीक है, जो दिसंबर में हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि रिजल्ट जो है आपका वो मार्च के लास्ट तक आने की संभावना है, या फिर आपका रिजल्ट मिड मार्च तक भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि मतलब 15-16 मार्च में भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और काफ़ी ज़्यादा एक ये भी जो स्टूडेंट में र्यूमर उड़ा दिया गया है कि बिहार स्टेट बोर्ड का भी अभी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो उनको ये बोला जा रहा है कि इसका रिजल्ट लेट से आएगा, जो कि मतलब कहीं से भी कोई भी तर्क मतलब नहीं है। ठीक है, आपका कॉपी भी चेक हो रहा है, इधर एग्जाम भी हो रहा है, सारे जो टीचर हैं उनको अपने अपने काम में ड्यूटी में लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों काम हो रहे हैं, तो आपके एग्जाम भी जो है वो हो जाएगा और रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पहला चीज तो ये हो चुका। बी बॉस में सीबीएसई के जैसा नंबर क्यों नहीं देता? सीबीएसई के जैसा नंबर मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ यहाँ पे इन लोगों का ये है कि जैसे सीबीएसई में 95 से ऊपर परसेंटेज जाता है, तो बी बॉस में क्यों नहीं जाता है? बी बॉस का एवरेज परसेंटेज क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो बी बॉस का जो एवरेज परसेंटेज है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बी बॉस का एवरेज परसेंटेज जो है वो 60 से 75 टू मुश्किल से 79 तक जाता है। ये कैसे मैंने पता किया? देखो, मैंने 3 साल से बी बॉस के बारे में मैं जान रहा हूँ यहाँ पे। तो जितने भी हम लोग साथ में एग्जाम देते हैं, या फिर दे रहे हैं, या फिर आने वाले जो भी देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कनेक्टिविटी रहता है, और वो इंस्टा पे भी मतलब बातचीत होते रहता है। तो उनका मतलब ये कहना है कि आप काफ़ी अच्छा भी लिख दो, मतलब ऐसा देखा भी गया है, आप कितना भी अच्छा भी लिख दो पर बी बॉस आपको मतलब परसेंटेज 79-80 से 80 भी बहुत कम का आता है, 79-82 इससे ज़्यादा मतलब नहीं आता है। तो पहला चीज़ ये हो चुका। ठीक है, इस बार का एवरेज परसेंटेज क्या रहेगा? तो मैं बता रहा हूँ कि इस बार का जो एवरेज परसेंटेज है वो आपको 65 to 75 रहेगा। ठीक है, इसे ज़्यादा भी जा सकता है, 3-4% ज़्यादा भी जा सकता है। बी बॉस में जो स्टूडेंट है उन लोगों को किसी किसी का यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि काफ़ी कम मार्क्स भी दे देता है। क्यों दे देता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, बी बॉस में काफ़ी स्टूडेंट को कम मार्क्स इसलिए दे देता है क्योंकि वो ओपन बोर्ड को काफ़ी मतलब इजी वे में ले लेते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ पे चोरी होता है, ये होता है, ये मतलब ये चीज़ हो रहा था। देखो, चाहे बिहार स्टेट बोर्ड हो या फिर ओपन बोर्ड हो, ठीक है, ये दोनों बोर्ड में ये सब पहले होते थे, बट अभी इस कुछ सालों से, ठीक है ना, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार किया गया है, और इन दोनों बोर्ड में अब ये सब चीज़ देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा था मेरा इससे रिलेटेड, मैं आपको पहले वाला भी मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मैं आपको बताया था कि उसमें मेरा हेल्थ इशू है, आपने देखा भी था, और काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे। तो हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, बट नाउ राइट नाउ आई एम फाइन। ठीक है, मैं सही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे अब वीडियो डेली के डेली अपलोड आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों ने नहीं जुड़ा तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।